आज के बाद एक खरोच भी आई दुनिया चला दूंगा पापा। फाइनली दोस्तों रणबीर कपूर और बॉबी देओल की फिल्म एनिमल आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे दिन डिस्ट्रक्शन मोड पर चल रही है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के आज अपने दूसरे दिन के जो कलेक्शन है उसमें लगभग 25-30% की धमाकेदार ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म आज अपने दूसरे ही दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई करते हुए बॉलीवुड इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म एनिमल के दूसरे दिन के अपडेटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जानने वाले हैं दोस्तों कि ये फिल्म दो दिनों में दुनिया भर में कितने रिकॉर्ड्स बना रही है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सुपरस्टार रणबीर कपूर और बॉबी देओल की फिल्म एनिमल ने अपने पहले दिन यानी कि फर्स्ट फ्राइडे में इतिहास रच दिया है, और दोस्तों सबसे पहले शुक्रवार में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अब एनिमल के नाम हो चुका है, जिसने कि अपने पहले ही दिन 64 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ओपनिंग ऑल ओवर इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर ली है। तो वहीं दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 116 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेने में कामयाब रही, जो कि नॉन हॉलिडे का सबसे बड़ा कलेक्शन है। और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने पठान के पहले दिन के रिकॉर्ड्स को भी तोड़ दिया है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताते चलें कि संदीप वेंगा रेड्डी के डायरेक्शन में बनने वाली एनिमल जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, और दोस्तों इस फिल्म में आपको रणबीर कपूर वायलेंस मोड में नजर आए हैं। उनका एक्शन, उनकी डायलॉग डिलीवरी और उनकी परफॉर्मेंस तालियां और सीटियां बजाने पर मजबूर कर देती है। तो वहीं दोस्तों बॉबी देओल ने भी इस फिल्म में 4 चांद लगाए हैं, जो कि सिर्फ कुछ ही समय के लिए आए, लेकिन दोस्तों उनकी परफॉर्मेंस ने सभी का दिल जीत लिया। यही वजह है दोस्तों कि एनिमल को ऑडियंस की तरफ से शानदार रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है, और ये फिल्म आज अपने दूसरे दिन एक बार फिर से डिस्ट्रक्शन मोड पर आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों आज इस फिल्म के सिर्फ 3 बजे तक के ही जो कलेक्शन थे पीवीआर आईनॉक्स और सिनेपोलिस में अपने पहले दिन की ओपनिंग डे कलेक्शन को कंपेयर कर चुके थे, और यही वजह है कि इस फिल्म के आज अपने दूसरे दिन के कलेक्शंस में लगभग 25-30% की धमाकेदार ग्रोथ देखी जा रही है। अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के अभी तक के टोटल की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि ये फिल्म आज अपने दूसरे दिन ऑलरेडी 45 करोड़ रुपए के आंकड़े को अभी तक पार कर चुकी है, जो कि एक तरह से एक रिकॉर्ड कमाई है। ये फिल्म दोस्तों आज अपने दूसरे ही दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर ही जहां 63-64 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है, यानी कि दोस्तों जितनी कमाई इस फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम सभी भाषाओं को मिलाकर की थी, उतनी कमाई इस फिल्म की आज अपने दूसरे दिन सिर्फ हिंदी में ही होती हुई नजर आ रही है। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं को मिलाकर दोस्तों इस फिल्म का आज अपने दूसरे दिन का कलेक्शन 7.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रहा है। ऐसे में ये फिल्म आज 71 करोड़ रुपए की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर आसानी से करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इस फिल्म का दो ही दिनों का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन होगा वो लगभग 135 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुका होगा। ओवरसीज में भी दोस्तों सुपरस्टार रणबीर कपूर की इस फिल्म ने अपने पहले दिन 41 करोड़ रुपए की हिस्टोरिकल ओपनिंग ली थी, लेकिन दोस्तों ये फिल्म आज अपने दूसरे दिन भी ओवरसीज मार्केट में एक बार फिर से 45 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म का आज अपने दूसरे दिन का कलेक्शन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 125 करोड़ रुपए के भी आंकड़े को पार कर रहा है, और इसी के साथ ये फिल्म दो ही दिनों में 241 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कर रही है। दोस्तों बताते चले आपको कि सिर्फ अगर दो ही दिनों का कंपैरिजन किया जाए तो सुपरस्टार रणबीर कपूर की इस फिल्म ने जवान के 2 दिनों के कलेक्शंस को पीछे करती हुई नजर आ रही है, और जिस तरह के आउटस्टैंड रिव्यूज और जिस तरह का क्रेज यहां पर एनिमल के लिए हमें देखने को मिल रहा है, यह कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि यह फिल्म सिर्फ अपने 5 ही दिनों में 450 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सकती है और अपने लाइफ टाइम में 1000 करोड़ी फिल्म एक बार फिर बॉलीवुड के लिए साबित हो सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, सुपरस्टार रणबीर कपूर और बॉबी देओल की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या बॉलीवुड की 3री 1000 करोड़ी फिल्म बनेगी या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों क्या लगता है, इस फिल्म का कलेक्शन पठान और जवान के रिकॉर्ड्स को तोड़ेगा या नहीं, हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।